सर, ये नए मामले कुछ पंजरुखी और मझरना के आए हैं और एक पपरोड़ा का आया है, क्या है ये? ये कल जो ILI के सैंपल लिए गए थे, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के, पालमपुर में ये सैंपल लिए गए थे। और उस सैंपल में अभी मुझे भी ये रिपोर्ट आई है कि एक पंचरुखी क्षेत्र से कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जो शायद हमारे यहाँ पुलिस में ही कार्य करते हैं, कांस्टेबल हैं। 50 ईयर इनकी एज है। अब ट्रैवल हिस्ट्री तो इनकी नहीं है, ऐसा पता चला है। तो अभी हम उस एरिया में ही जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाके जो भी इनपुट्स रहेंगे या क्या कंटेनमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा, कहाँ कहाँ वो गए हैं, घूमे हैं, तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेके शाम तक ही शायद पूरी तरह से पिक्चर क्लियर हो पाएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि पॉजिटिव केसेस जो आए हैं वो 3 आज आए हैं, तो जिसमें एक पपरोला से है और मझरना से, और एक पंचरुखी से और एक शायद दौलतपुर के। पेट्रोल और मझरने की ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत? नहीं, इनकी भी शायद ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है क्या, क्योंकि इसकी इनके बारे में मैं डिटेल में नहीं बता सकता कि ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं। तो जैसे भी आधिकारिक तौर पे जो कोई भी डिटेल्स आएंगी वो आपको शेयर कर दी जाएगी। सर, ये जो पुलिस वाले आपने बताया जो पॉजिटिव हुए, ऑन ड्यूटी थे वो या फिर? और शायद ये ऑन ड्यूटी ही थे एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा जब अब इंक्वायर करेंगे तो पूरी तरह से पता चल पाएगा। फिलहाल हमने वहाँ पे जो भी प्रिकॉशंस लेने थे वो ले लिए गए हैं और अभी हम उस तरफ ही मूव कर रहे हैं। सर, अभी 3 पॉजिटिव मामले आ गए हैं जैसे पंजरुखी है, तो कुछ स्पेशल पंजरुखी इलाके में कुछ एक्शन होगा हाँ, आपके वो से? थोड़ा सा तो एक्चुअली वो कंटेनमेंट जोन का रहता है, जोन कंटेन करना पड़ता है, तो वो रहेगा। तो जो भी SOPs होंगे हेल्थ के वो फॉलो किए जाएंगे और शीघ्र ही वहाँ पे कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा, जैसे भी दिशा के आदेश होंगे। सर, हमारे डिवीजन में 2 पॉजिटिव आ गए, एक तो खैर बपरोड़ा का है। अब क्या मैसेज आप पब्लिक को देना चाहेंगे कि अभी भी आगाह हो जाए कुछ? मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि जैसे कि मुझे ये लग रहा है अभी, हालांकि ये कहना शायद थोड़ी सी अभी जल्दबाजी भी होगी, परंतु मुझे ये मैसेज देने में कोई मैं देना चाहता हूँ लोगों को कि जैसे ये पॉजिटिव आए हैं, शायद इनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब कि ये बाहर से आए हुए लोगों के द्वारा ही इन्फेक्टेड हुए हैं। तो मेरा लोगों से ये आग्रह रहेगा कि बिना मतलब बाहर ना निकलें, अगर आवश्यक ना हो तो बाहर ना आए, क्योंकि इस तरह से बाहर जब आएंगे तो लोग इन्फेक्शन की चपेट में आ सकते हैं और इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और उनके द्वारा और लोगों को भी संक्रमित होने का खतरा रहेगा। तो बार बार हमारा जो लॉकडाउन में लोगों से घर रहने का आग्रह था, वो इसीलिए था कि लोग, ज़रूरी नहीं है कि वो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री ही हो, इसका मतलब वो किसी ऐसे व्यक्ति की नज़दीक आए थे या उसके कांटेक्ट में आए थे जिसका ये ट्रैवल हिस्ट्री रही होगी बाहर से, या कोई संक्रमित रहा होगा। तो ये इस तरह लोगों को, मुझे लग रहा है, अपने आप से थोड़ा सा विचार करना चाहिए और मौके की गंभीरता देखते हुए खुद को, अपने आप को, जो जो भी नियम है उन नियमों को मानते हुए, लॉकडाउन के नियमों को मानते हुए अपने अपने घरों में रहें, और जहाँ तक आवश्यक, नितांत आवश्यक ना हो तब तक बाहर ना निकलें। धन्यवाद।